खाने से, मतलब उसको मलेरिया हो जाता है। हाँ, गंदगी के कारण। ठीक है ठीक है, बहुत इलाका गंदगी रहता है। ठीक है, उसके बाद वो खेलने के लिए जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसकी मम्मी और मतलब उसके अम्मा पापा लोग उसको कहो कि बेटा एक भूत चढ़ गया, या फिर अगर कहो के करके बैगा पास ला जाते हैं, क्योंकि वहाँ डॉक्टर उतना खास नहीं रहते, मतलब पर दूर में रहते हैं, उन लोग को ज्ञान नहीं रहता, अनपढ़ टाइप के रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो लोग लेके जाते हैं बैगा के पास, बैगा को ठीक करवाने। फिर लड़का जो बाबा रहता है, ढोंगी रहता है, ढोंगी बाबा है शिव कुमार, उससे मांग करता है कि आपके बेटे को हम ठीक कर देंगे, हमको दारू चाहिए, महुआ दारू, 500 रुपये पैसा और बकरा मुर्गी से, तो आपका बेटा ठीक अरे होगा ना, रहने देना जो भी। तो लोग उस बाबा का बात मान के चले जाते हैं लेने के लिए। उसके बाद वो जा रहा है तो बाकी से एनएसएस वॉलंटियर आते रहते हैं, सीसी बोतल तोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, तो दारू लेकर आते रहता है। तो वो लोग बोलते हैं कहाँ लेकर जा रहे हो दारू, सब गैर कानूनी है, इसको बंद करोगे। ठीक है, तो बोलता है कि बाबा के मंगाए हैं, बाबा के ले जा रहे हैं, मेरा बेटा तबीयत खराब है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, ना कि बाबा के पास। तो लोग आते हैं और उस बाबा को बताते हैं कि ये सब गलत काम है, आप हम अंदर करवा देंगे। तो बाबा उसको घूस देने की कोशिश करते हैं कि आप कुछ पैसे रख लीजिए और आप चले जाइए, बट वो नहीं मानते, तो पुलिस को कॉल करते हैं। तो बाबा फर्जी रहते हैं, तो अपने चेले के साथ वो कुछ बोलते हैं कि चलो निकलते हैं, तो लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग दौड़ते हैं उसके पीछे, पर नहीं पकड़ पाते। उसके बाद एनएसएस वॉलंटियर उसको लेकर चलते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर उनका इलाज करता है, चेकअप करता है, आँख बताता है कि आपके बेटे को गंदगी के कारण मलेरिया हो गया है, अपने घर का सफाई करना है। ठीक है, उसके बाद गोली वोली देकर उसको भेज देते हैं उनके घर। अगले दिन उनका बेटा ठीक हो जाता है, तो लोग बोलते हैं कि एनएसएस वालों की वजह से हमारा बेटा आज बच गया, इसलिए उनको धन्यवाद बोलने जाते हैं। फिर एनएसएस वॉलंटियर बताते हैं कि इन बाबा के चक्कर में आप ना पड़िए, आप शिक्षा लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज करवाइए, अंधविश्वास के चक्कर में ना रहिए। इतना बहुत डायलॉग है।